हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बात उन दिनों की है, ये कहानी तब से स्टार्ट होती है। बाय द वे, मैं आप लोग को बता दूं कि ये कहानी यहाँ से नहीं स्टार्ट होती, ये 3 दिन की कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाद में बहुत मस्ती धमाल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो बात यहाँ शुरू होती है कि होली के एक दिन पहले हम लोग जाते हैं शॉपिंग पे, तो हमें ये दिख जाता है फल। इसे आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने भी पहले कभी नहीं खाया था, फर्स्ट टाइम ही खाया था। तो ताड़ गोला शायद इसे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। तो पतिदेव ने बोला कि चलो नहीं खाई हो तो चलो खा लो भैया। तो फिर हम गए और काफ़ी महंगा था। फिर उसके बाद हम स्टार बाज़ार गए, आज हम शॉपिंग करने वाले थे होली का। तो स्टार बाज़ार में हमें बहुत सारी चीज़ें, सब्जियों का शॉपिंग करना था, फिर बहुत सारी चीज़ें जो लेनी थी तो हम वो लेना था। तो यहाँ पे बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो मैं सिर्फ देखते ही रह गई, क्योंकि अजीब अजीब से फ्रूट्स थे। फिर फ्रूट्स ख़त्म हुआ था हमारा, वेजिटेबल्स का शॉपिंग हो गया, बाकी जो ग्रोसरी का शॉपिंग था वो हो गया। यहाँ पे कपड़े भी थे, तो जूडियो के कलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा था, तो मुझे एक आध दो कपड़े अच्छे लगे लेकिन नहीं लिया। फिर उसके बाद मैं मछलियों को देखने लगी, आए हैं कितने प्यारे लगते हैं। मैंने इन्हें खाना छोड़ दिया, लेकिन देखना थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, देख सकते हो। और भाई साहब जब घर आए तो हमारा बच्चा अलग ही खुशी वाले जोन में था, क्योंकि उसके चाचू ने उसको एक कार ला के दिया था, बड़ा सा टैक्सी कार। तो घूम घूम के सबको दिखा रहा था, तातू ने लाया। फिर आज होलिका दहन के दिन ये सब बनता है हमारे घर में, खाना बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो पकौड़ी वकौड़ी बनता है। फिर रात के समय में विधि विधान से सब पूजा हुआ। ये विधि विधान का पूजा ना मुझे यहीं देखने को मिला, क्योंकि गांव में मैंने नहीं देखा था। शाम को हुआ होली का दहन, सबने मस्ती किया, होली भी खेला, मैं तो भाग गई क्योंकि मुझे नहीं खेलना था होली। फिर भाई चेयरमैन को ही सोसाइटी की चिंता नहीं है, उनके बेटे और उनकी फैमिली को भी चिंता है। उनका बेटा देखो भाई ठंडाई बनाने के लिए कितना उत्सुक है, तो वो चाहता है कि सब कुछ टेस्ट करके और अच्छा सा ठंडाई मिले भाई सबको। तो ये देखिए वो सब कुछ टेस्ट करेगा अभी। फिर उसके बाद इसमें अपना जूठा भी गिरा दिया उसने, लेकिन भाई उसने एक एक चीज़ को परख कर डाला ताकि किसी को शिकायत का मौका नहीं दे। भाई चेयरमैन का लड़का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भी कंधों पर बहुत सारी है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये क्लिप है रात का, मतलब होलिका वाले दिन का। तो घर में सब कोई बैठ के काजू फाड़ के उसे भिगा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इन सब चीज़ों को ठंडा ही बनेगा। तो भी ये रात भर शोक होगा, फिर उसके बाद कल सुबह बनेगा। तेरा बड़ा मेहनती लड़का है यार, देख सकते हो घूम घूम के उसको सब काम करना है, उसको सब कुछ डालना है। आप देख रहे हो कितना मस्ती हो रहा। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। लो भैया आ गई होली, तो हैप्पी होली सबको। होली मतलब पकवानों का दिन, इतने सारे पकवान बनते हैं। और ये देखो यहाँ पे फूला फूला पुआ बना रहे हैं। अरे यार मम्मी देखेगी गांव में तो खुश हो जाएगी, बिटिया को पुआ बनाना आ गया। तो बहुत सारा खाना बनता है, लेकिन मैं क्यों ही बनाऊँ, सोसाइटी में सुबह शाम दोपहर का सब कुछ है, तो क्यों ही अपना मेहनत जाया करूँ। लेकिन बनता है आज के दिन, तो भोग लगाने के लिए मैंने पुआ बना लिया। और यहाँ पे देखो मस्ती। तो सबसे पहले मैं और मेरे देवर ने सोचा होली को साइड में रखो, पहले जाके नाश्ता पे लाइन लगाते हैं, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। तो हम गए, और ये रही ठंडाई, भांग वाली नहीं है भाई, ये सीनियर सिटीजन की निगरानी में बनाई हुई ठंडाई है। और ये रहा हमारा टेस्टी सा नाश्ता, कबाब और उसके बाद रोल। और यहाँ है देवर भाभी की होली। और बिहार में देवर के साथ होली ना खेला तो फिर क्या खोला, लेकिन मेरा देवर गाय है गाय। फिर हुई दोस्तों के साथ होली, और आप एंजॉय करो फिर होली हमारी।
के बाद कुछ ऐसा हो गया। सो होली खेलने के तुरंत बाद नहा धो के मैं खाने के लाइन में लगी। भैया भूख तो बड़ी जोड़ों की लगी थी और शाही पनीर और बहुत सारे आइटम देख के तो भूख और बढ़ गई। तो ये रहा कुछ खाना, बहुत सारा था और याद भी नहीं रहा कि क्या क्या था। मूंग दाल का हलवा था, ये पता चला। बहुत सारी यादें तो नहीं है, फोटो नहीं खिंचाया क्योंकि हम थक गए थे, फोन भी नहीं था। जो भी था आपसे शेयर किया। आई होप वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।